टीचर्स के थ्रेट है, तो उसके अंदर मैंने पहले महिलाओं को पूछा, तो एक बात पूछी, जब आपका बच्चा जन्म लेता है आपके पास, हमारे पास तो 3 वर्ष का आता है, 3.5 वर्ष का, और वो 12वीं कक्षा तक रहता है, तो अगर आपने उसको सर्दी नहीं लगने दी, क्योंकि वो गंदा लगेगा देखने में, इसलिए मिट्टी तो आजकल भगवान की कृपा खत्म ही हो गई घरों में, घर में मिट्टी कहाँ मिलेगी, टाइल लग गया है, मार्बल लग गया है, तो कहीं मिट्टी वाला कोना, रेत वाला कोना तो मिलेगा ही नहीं, उसको आपने छूने नहीं दिया, पानी के नजदीक आपने उसको जाने नहीं दिया। अब बताओ, परमात्मा ने जब उसका जन्म किया तो वो 5 तत्वों से बनता है व्यक्ति, जल, अग्नि, बोलो जी, वायु, उसके शरीर की, डॉक्टर्स कहते हैं कि जो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ बननी चाहिए, प्रतिरोधक शक्तियां होनी चाहिए। अब बीमारी का कोई व्यक्ति को, बीमारी हर व्यक्ति बीमार है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो बीमार है, लेकिन बीमारी के कीटाणु कमजोर हैं और ताकत के कीटाणु मजबूत हैं, वो तो बीमारी नहीं लगती। जब वो दूसरे कीटाणु हमारे कमजोर हो जाते हैं तो बीमारी लग जाती है, बीमारी तो सदैव लगती है। अब वो शक्ति कहाँ है लड़ने वाली? अब दोनों को लड़ने की ताकत तभी बनेगी जब वो जूझा हो। आपने तो हाथ में लगना दिया, अब क्या हुआ? अब स्कूलों में धंधा बना लिया, ढाई, क्योंकि माँ बाप ने दोनों ने नौकरी कर ली, बच्चे को कहाँ छोड़े, न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी नाना नानी है नहीं घर में, उनका अलग है। अब उसमें क्या आया कि उसमें ये जो वर्णन आया फिर कि वो बच्चा जो था वो स्कूल में भेज दिया, तो स्कूल ने उसकी मजदूरी का फायदा उठाया, 2.5 साल के बच्चे के एडमिशन लेके लाखों रुपए लूटने लगे, तो स्कूल व्यापार हो गए। डॉक्टर्स का धंधा चल पड़ा, उसने कहा ना कि पेशेंट चाहता है मैं एकदम ठीक हूँ, उसको बच्चे को टेम्परेचर है, वो इतनी हाई पोटेंशियल की मेडिसिन देता है, और मेडिसिन के अंदर एक नियम है, आज तो आपने 25 mg की टैबलेट ले ली, दूसरी बार अगर आप 10 mg की मेडिसिन लोगे कभी आराम नहीं आएगा, या तो 25 mg की लेना पड़ेगी या उसको फिर 40 और 50 में बढ़ाना पड़ेगा, आप कितना बढ़ाते जाओ आगे, ये क्या हुआ? उसने भी अपना धंधा चला लिया, चिकित्सा हो गया, फिर लाल फायदा उठाया जल्दी ठीक करने का, क्योंकि डॉक्टर वही अच्छा है जो जल्दी पेशेंट को ठीक करता है, स्कूल वही अच्छा है जो लॉकर में लूट कर बच्चे को जल्दी स्कूल बुला देता है और एकदम से दिखाना शुरू कर देता है कि अंग्रेजी के 4 अक्षर या बुलाना शुरू कर देता है, वो स्कूल अच्छा है। लेकिन ये बाकी बात, उन 5 तत्वों का विकास कहाँ गया? बच्चा पानी से निकला, मिट्टी से निकला, तो मेरा ये कहना है कि ऐसी क्रियाएं अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं रहेंगी और परिवार में नहीं रहेगी, बच्चा स्वस्थ नहीं रह सकता, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए ये जो शारीरिक क्रियाकलाप है ये आवश्यक है और इन क्रियाकलापों को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा 4-5 बातें हम फिजिकल एजुकेशन की दृष्टि से रख सकते हैं। एक और है, ये है सुबह उठते, कितना बड़ी फिलोसफी छपी है इसके अंदर। अब ये फिलोसफी है पूरी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मते दुर्गोचिता परमाते। अब कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ये जो कर्म का अग्रिम हिस्सा है इसमें लक्ष्मी का वास है, अंगुलियां काट लें और लक्ष्मी आ जाए घर में, संभव नहीं होगा। हाथ ही रहा, भूल के दर्शन नहीं किए तो फिर, अब ये कर्म पर ध्यानता है सारी, और प्रातः काल इसके दर्शन के करने से जब चलता है तो ये शरीर के निरोग की व्याख्या भी है, शरीर के निरोगता की। तो ये एनवायरनमेंट, एक वातावरण, इस तरह से इसको फिर काम, काम के प्रति उसकी हॉबी, और हॉबी को बाद में प्रोफेशन में बदलना, हॉबी नहीं रहनी चाहिए, हॉबी स्किल में बदलनी चाहिए, प्रोफेशन में बदलना चाहिए, तो इस ढंग से फिर ये सारा काम चलता है। तो एक तो मुझे इस विषय को लेकर मोटी मोटी बात है।
ये 10-12 बातें निकल सकती हैं फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से। तो इसमें बैंड है, रूट मार्च है, स्पोर्ट्स डे की सेलिब्रेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, मेडिकल चेकअप है। कॉलेज के अंदर तो वर्ष में 2 बार सभी का मेडिकल चेकअप होना ही चाहिए, अंदर स्कूल है तो 2 बार होना ही चाहिए। तो ये मेडिकल चेकअप है, NSS के यूनिट लेकर काम करने की बात है, फिजिकल एजुकेशन है, योग और सूर्य नमस्कार है, स्काउट एंड गाइड है, एडवेंचर कोर्स है, डेली शेड्यूल है, दिनचर्या बनानी बच्चे की, डांसिंग, डांस और स्विमिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो इस तरह से पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल है, इंडोर आउटडोर गेम्स है, ड्रिल है, एक्सरसाइज है, NCC है, ये सारी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर प्रत्येक बालक को किसी न किसी गतिविधि में भाग लेना ये इसका जरूरत है। तो ये एडवेंचर कोर्स ये सारे के सारे सिस्टम कैसे है और बच्चा इससे जूझेगा और करता है तो सारे के सारे क्लासेस के अंदर ही सारा रहने की चीजें हैं, रखने की जरूरत है, चाहे वो कराटे है, आत्मरक्षा है, ये स्लो के ऊपर स्केटिंग है, ये बैंड है, ये सारी के सारी ड्रिल है, NCC है, डांसिंग है, ये सारी एक्टिविटी, मेडिकल चेकअप है। तो ये सारे कॉलेज के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर करने की इसकी आवश्यकता है। तो ये हिस्सा था फिजिकल एजुकेशन का। अब प्राणों की रक्षा करने के लिए भी तो गतिविधियां हम चला सकते हैं। अब इनको कैसे गतिविधियों को, तो गतिविधियों प्राणों में तो प्राणायाम सबसे सही ढंग में आएगा कि हम इसको प्राणायाम के रूप में जब शुरू करेंगे तो उस ढंग से आसन है, योग है और कुछ खेलों से भी हमारा स्टैमिना बढ़ता है। अब व्यक्ति के लिए स्टैमिना और स्ट्रेंथ दो चीज है, स्टैमिना है और स्ट्रेंथ है तो बहुत सारा कुछ कर लेता है। तो इस तरह से इसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, ब्रेवरी के हैं, प्लांटेशन के हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक सुनना है, तो ये सारी की सारी बातें सहब हो जाए। अभी प्रिंसिपल साहब ने पहले ही बार तो कहते सहब हो चल रहा है तो वहीं पर से भी खाना देना है, संस्कार केंद्र है। तो ऐसे कार्यक्रमों की दृष्टि से भी इस तरह से प्राणायाम लय में बोलना, मुझे याद है मैं जब चौथी कक्षा में पढ़ता था मैं इंग्लिश पढ़ाते थे, जब हमारी बारी आई तो हमारी फोर्थ क्लास से इंग्लिश स्टार्ट हो गई, तो हमारे एक अध्यापक थे उन्होंने टॉपिक पढ़ाना, फिर कहते अच्छा फिर सारी क्लास को कहना अपना सांस रोक लो, जो जितनी देर तक सांस रोकेगा उसका लेसन उतनी जल्दी उसको लर्न हो जाएगा। हम बड़ा उपहास भी उड़ाते थे, सांस रोक कर अगर लेसन लर्न होना शुरू हो गए तो रोज यही काम करे। तो कहता घड़ी देखो, हमारे पास तो घड़ी होती नहीं थी, वो घड़ी मैं देखता हूँ, नोट करता हूँ, सबसे लगभग आज याद आ रहा से स्मरण शक्ति समेत, क्योंकि जिसके प्राणों को रोकने की ज्यादा है, परमात्मा ने 2 चीजें गिनती की तोड़ कर दी हुई है, उसको कोई माई का लाभ घटा और बढ़ा नहीं, इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि श्वास भगवान ने गिनती के लिए है। तो जब मेरे श्वास खत्म हो जाएंगे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, मुझे बचा नहीं सकेगा। जब ये सत्य है तो मेरा भाई मैं अपने श्वास कितना लंबा चलाऊं, मैं अपने श्वास को कितना लंबा चलाऊं, भगवान ने गिनती के जन्म के समय दे दिए हैं, अब श्वास को कितना बचाना, और दूसरी बात खाना मुझे कितना है, ये भी तोल कर दे दिए होंगे, बच्चों तेरे को जन्म दिया तेरे को इतनी डाइट सेंक्शन है यहाँ पर बदल, अब वो निगाला हाथ में रह जाएगा चपाती का टुकड़ा तक अगर वो जब प्राण चलेंगे, क्योंकि वो मेरे हिस्से का नहीं था। तो 2 चीजों का स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्राणों का संचय और खान पान, इन पर आग्रह करने की इसलिए जरूरत है और ये बहुत बड़ा हिस्सा इंस्टीट्यूशन का बनाने की जरूरत है। प्रश्न ये नहीं है, अभी कुछ देशों में हैप्पीनेस मिनिस्ट्री है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक विधानसभा में एक मिनिस्टर हैप्पीनेस मिनिस्ट्री खोल दी है, वो पता नहीं शुरू हुई कि नहीं, क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो सिंगापुर और एक और देश के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे, व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहिए ये है कुल मिलाकर। अब तो कैसे रहेगा, तो ये 2 चीजें उसको प्रसन्न रखने में बड़ी सहायक है, प्राणों की रक्षा और अन्न कितना लेना, खाना कितना, तो इस ढंग से आप करेंगे तो ये मन को एकाग्र करने के लिए और उसके जो प्राणों की रक्षा के लिए एक्टिविटीज हैं ये हम सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। एकाग्रता के अभ्यास में भी भाई जी ने कहा
सभी ओम बोलकर बाद में उन्होंने क्रिया नहीं कर, थोड़ी देर से चुप रहो, मौन रहो और अपना ध्यान अपने सांस पर चलाना। अब जितने हमने लंबा सांस खिंचाया हमसे, पहले सांस लो एक बोल में, जितनी जो हमारे सांस हमने व्यर्थ नहीं गवाई, वो पाई बचा ली, अपना जीवन बढ़ाया। तो इस तरह से सेल्फ स्टडी है, इक्वल माइंडेडनेस है, कैपेबिलिटी है, क्लैरिटी है, डिस्कशन है, आर्ट है, डिसिप्लिन है, डिवाइड ऑफ डिप्रेशन है, नॉलेज ऑफ इलेक्शन है, स्पीच है, पोइम है, एक्सकर्शन है, इम्पार्शलिटी है, ये प्रेयर है, मेडिटेशन है, ये सारे कहीं ना कहीं उन प्राणों के साथ जुड़ते हुए आपको नजर आते हैं, ये सारे के सारे। तो इस ढंग से अगर हम करेंगे तो फिर आगे जो विषय चलता था वो है बड़ा इंपॉर्टेंट चला था, मन का। ये मैंने अभी बात की सारे के साथ मन के साथ। अब ये जो मन का विषय था प्राणायाम के बाद, मन पर ज्यादा फोकस करने की, पहले मैंने उस पर दो शब्द बोलकर जब बोला था, तो मन के ऊपर क्या है उसको टिकाने के लिए। अभी एक बहन, हाँ, क्या नाम आपका, मुझे पूछने लगी कि मेरा 6 वर्ष का बच्चा है, उसमें चंचलता बड़ी, हाँ, क्या शुभ नाम आपका, डिम्पल। तो जितने बच्चे की आयु, क्योंकि 3 साल 5 6 साल का बच्चा बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ पाया, तो छोटे छोटे प्रयोग। तो मैं ये कहती थी वो ध्यान मन को एकाग्र नहीं करता, वैसे तो छोटी आयु में बच्चे को ज्यादा मन एकाग्र नहीं करना चाहिए, लेकिन अभ्यास भी साफ करना चाहिए, चंचलता उसकी बनी रहनी चाहिए। तो मैंने दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा एक काम करा सकते हो आप, मोती ले लो और मोती के अंदर धागा बनाऊंगा उसमें, और उसको कहने ये भगवान के लिए माला बना दी। अब जब बच्चा उस धागे को उसमें डालेगा तो उसकी मन की एकाग्रता बनेगी कि नहीं बनेगी, और उसको खेल मिलेगी। अब चलने के लिए ऊंची पर वो बच्चा गिर जाएगा, बड़ी बड़ी बात निकल, तो ईंटें लगा दो, एक लंबी ईंटें 15 ईंटें रख दो इसके ऊपर चलना, हाँ, जो गिर भी जाएगा इसे तो कितना ऊंचा गिरेगा, छोटा है ना बच्चा भी, तो ईंटों पर चलना। तो बैलेंस ऑफ बॉडी इज द बैलेंस ऑफ माइंड, तो अगर उसका एक ईंट पर चलने का बैलेंस बना दिया शरीर का, तो माइंड का ऐसे अनेकों एक्टिविटीज आपको मिलेगी। तो ये जो मैंने गलाई इसमें बताया जो मन के विकास के बारे में, कि कैसे कैसे एकाग्रता को, एकाग्रता अध्ययन से दिया गया है, डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता है आज, लेकिन ये जो बुक रीडिंग है, रीडिंग ये भी मन की एकाग्रता बनाती है। मैंने एक लाइन पढ़ी और उसको सोचना शुरू किया तो मन की एकाग्रता हो, लेकिन स्क्रीन जब चलती जाती है तो उस पर मन एकाग्र नहीं होता, टिकता नहीं है वहां पर। तो इस ढंग से पढ़ते पढ़ते बच्चे को जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो अंडरलाइन करवाना, दूसरा करवाना, रोकना, तो वहीं पर एक शब्द पर ध्यान करना। फिर मन की एकाग्रता एक और होता है, किसे बड़ा सुंदर फूल है, मेरे पास एक आर्ट टीचर थे, आर्ट टीचर को मैं रंग लेकर लेकर गई, तो यही वही मिलना था, तो 5 बच्चे बाहर खड़े किए हुए, तो मुकेश थे वो, तो मैंने चलते चलते अब टीचर्स ने बाहर किए बच्चों के सामने, तो मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता था कि आपने उनको सजा क्यों दी ये बात। मैंने कहा मुकेश जी क्या बात होगी, आज सारा बाहर धूप का आनंद ले रहे हो, क्या बात है। इस सबसे मैंने उसको बहुत पुरानी, और वो भी बड़ा आपको हंस पड़ा, कहते हाँ जी आज इनको आनंद ही लेना है, अभी आधा घंटा लेना है। मैंने कहा धूप बढ़िया है, धूप का आनंद ले रहे हो क्या, इनको आज मैं ये जो फ्लावर है ना, ये आर्ट में सिखाने की फूल कैसे बनाना है, तो उनकी आंखों में बस जाना चाहिए फूल, ये जो फूल खिले इनको भाई इनको निहारते रहो, देखते रहो। अब जब वो देख रहे हैं तो उसकी मन की एकाग्रता फूल की ओर जा रही है, क्योंकि फूल सुंदर लग रहा है उसको, तो देखता रहेगा, कहते इसको कलम चलाकर फूल बनाना आराम से आ जाएगा। और बाकी अब वो ये प्रयोग आर्ट टीचर का, जब वो आंखों में और मन में बस गया तो कलम से बनाने में लिखने में कहीं मुश्किल नहीं आई। तो ऐसे कितने प्रयोग हो सकते हैं, तो इन प्रयोगों के लिए योग था। संगीत भी मनोयोग के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, संगीत सभी